बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों में वैश्विक रूप के विकास का नया रोड मैप, उत्तर प्रदेश वाराणसी में हो रहा है तैयार। G20 सम्मेलन में कृषि, कृषि शिक्षा, अनुसंधान के मुद्दों पर सभी देशों के कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं मंथन। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने असम का किया दौरा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर दिया बल। कहा कि मछली किसान, किसान क्रेडिट कार्ड के लाभों का करें उपयोग। केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द के भंडारण की निगरानी के लिए की पहल। अरहर और उड़द के भंडार की स्थिति के लिए अधिकारियों ने 4 राज्यों में 10 स्थानों का किया दौरा। ई पोर्टल पर पंजीकरण और भंडारण में हो रही है वृद्धि। मध्य प्रदेश के पशुपालकों को देश में सर्वाधिक 2,36,331 किसान क्रेडिट कार्ड करवाए गए उपलब्ध। KCC धारक पशुपालकों के लिए 3,00,000 और नवीन के लिए 2,00,000 रुपए है क्रेडिट लिमिट। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप। राजस्थान के कुछ हिस्से में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों में वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप वाराणसी में तैयार हो रहा है। सोमवार से शुरू हुए G20 सम्मेलन में कृषि, कृषि शिक्षा, अनुसंधान आदि मुद्दों पर सभी देशों के कृषि वैज्ञानिक मंथन कर रहे हैं। मंगलवार को बैठक का दूसरा दिन है। मोटे और प्राचीन अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से महर्षि प्रस्ताव पेश किया जाएगा। भारत सरकार वाराणसी से पोषक, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ाने का प्रस्ताव दुनिया के सामने रख रही है। गौरतलब है कि G20 के सम्मेलन देश के 60 शहरों में होने हैं, जिनमें से 200 बैठकें होंगी और 100वां सम्मेलन काशी में हो रहा है। G20 की कृषि वैज्ञानिकों की बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को वाराणसी की संस्कृति से परिचित होने का मौका मिल रहा है और इसकी व्यवस्था काशी के ही दीनदयाल हस्तकला संकुल में लकड़ी के खिलौनों की प्रदर्शनी के माध्यम से की गई है। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने खिलौना कारीगर रामेश्वर सिंह से बात की है। G20 की बैठक काशी में और काशी के जो GI उत्पाद हैं उनमें एक है लकड़ी के खिलौने। बैठक तो कृषि पर है लेकिन जो वाराणसी के उत्पाद हैं उनको भी दिखाया जाएगा। प्रतिनिधि जो हैं G20 के जो सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधियों को, रामेश्वर जी हैं लकड़ी के खिलौने के बहुत बड़े कारीगर हैं, वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं लकड़ी के खिलौनों के मामले में। रामेश्वर जी, चूँकि ये केवल खिलौने नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग G20 को किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं खिलौनों, लकड़ी के खिलौनों के प्रचार प्रसार के लिए। ये आपके हाथ में गणेश जी हैं, पंचमुखी गणेश जी हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों ले रखा है आपने? सबसे पहले मैं मतलब कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये 20 देश के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं हमारे काशी में, ये बहुत बड़ी हमारे देश के लिए उपलब्धि है और हमारा जो व्यापार है सभी जो राष्ट्राध्यक्ष के साथ, 20 देश के साथ में अच्छा चलेगा, ये हमारी मानना हमको है। और हम लोग जो है बहुत उत्साहित हैं इस चीज़ के लिए करके कि जो हमारे गेस्ट आएंगे उनको हम सबसे पहले ये पंचमुखी गणेश जी भेंट करेंगे, जिस जो कि हमारे गणेश जी जो
हमारे आराध्य देवता भी हैं और शुभ मतलब कि इसको माना जाता है। हमारे संस्कृति में भी गणेश जी का बड़ा ऊंचा स्थान है और गणेश जी के द्वारा ही हम इस काम को शुभारम्भ करेंगे। ये G20 की जो बैठक काशी में हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि केवल आपके खिलौने ही नहीं, कृषि उत्पादों के बारे में भी चर्चा होगी, यहाँ के जो GI और उत्पाद हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी, तो इसको आप लोग, चूँकि आप लोग लकड़ी के खिलौनों के कारीगर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, वाराणसी के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, वाराणसी का इसका बड़ा नाम किया है आप लोगों ने, इसको कैसे देख रहे हैं? जो G20 के ये जो लोग आ रहे हैं उसमें हमारा बनारस का 14 GI हुआ है और 14 GI के सबको एक प्लेटफार्म मिलेगा कि अपने अपने जो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 देश के लगा पहुँचाएँ और वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ पर आए, यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ जाए, जिससे कि एक हमारी भारतीय जो परंपरा जो संस्कृति का बहुत बड़ा एक अनोखा एक संगम है। और इसको हम इस तरह से देखते हैं, हमारे व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों के पास इतना काम मिल जाएगा कि कहीं पर लोगों को प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें देश में रहेंगे अपना काम करेंगे, विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत बड़ा हम लोग का सौभाग्य है। देखिए कितनी बड़ी सोच है इनकी, अपने सांसद की जो सोच है उसी को ये बता रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री की सोच को बता रहे हैं कि इतना काम मिल जाएगा कि पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न बनारस से और न देश के बाहर। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, हस्तकला संकुल, वाराणसी। वहीं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए गुवाहाटी असम का दौरा किया, जिसका समापन सोमवार को मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास की समीक्षा के साथ समाप्त हुआ। पुरुषोत्तम रूपाला ने बारपेटा, बरबरी, झार और हावली जैसे विभिन्न स्थानों पर मत्स्य किसानों, मछुआरों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों, PMMSY और KCC के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने असम सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में PMMSY योजना के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला और इन पर विस्तार से चर्चा की, जिससे लाभार्थियों, मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों को PMMSY और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कार्यक्रमों को अपनाने से लाभान्वित किया जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और अन्य बहुआयामी नीली क्रांति के प्रयासों के संबंध में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में मछली किसानों और संबद्ध गतिविधियों के लिए KCC के लाभों का उपयोग करने की बात की। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने देश में अरहर और उड़द के भंडार की वास्तविक मात्रा घोषित करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को भंडारों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। इनमें भंडारण की जांच करना और अघोषित भंडारण पर कड़ी कार्रवाई करना भी शामिल है। उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों के दौरान 4 राज्यों में 10 विभिन्न स्थानों का दौरा किया और अरहर और उड़द के भंडारण की स्थिति का निरीक्षण किया। उपभोक्ता मामले के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इन अधिकारियों के साथ बैठक की। विभाग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए 12 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। व्यापारियों और राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत से पता चला कि ई पोर्टल पर पंजीकरण और भंडारण में वृद्धि हो रही है। मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सोमवार को कहा कि मार्च 2023 तक देश में सर्वाधिक 2,36,331 किसान क्रेडिट कार्ड मध्य प्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से पशुपालन के लिए 0% ब्याज दर पर 2,00,000 रुपए तक कार्यशील पूंजी KCC में उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा योजना में 1% सामान्य और समय पर भुगतान करने पर 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य व्यवसायिक किसानों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को पशुपालन की गतिविधियां शामिल करते हुए 3,00,000 रुपए और नवीन किसान क्रेडिट धारकों को 2,00,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय के निर्देश अनुसार सभी क्रेडिट कार्ड धारकों को 2% वार्षिक ब्याज अनुदान और समय पर भुगतान करने पर 3% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पशु
एवं दुग्ध विकास विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह ने आगामी 20 अप्रैल से 20 मई तक गौ आश्रय स्थलों के लिए भूसा संग्रहण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत रूप से भूसा क्रय किए जाएंगे और भूसे के लिए दानदाताओं एवं समाज सेवियों का भी सहयोग लिया जाए। पशुधन मंत्री ने कहा है कि गर्मी के दृष्टिगत गौशालाओं का रखरखाव व्यवस्थित तरीके से किया जाए और गौ वंश को धूप व लू से बचाने हेतु शेड की व्यवस्था, स्वच्छ पानी, बिजली, हरा चारा और पर्याप्त औषधियों के व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। पशुधन मंत्री विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में गौशालाओं की व्यवस्थाओं एवं विभागीय योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण केंद्रों में भी आगामी 7 दिनों का विशेष अभियान चलाकर 100% ईयर टैगिंग का कार्य पूर्ण किया जाए और नियमितता एवं पारदर्शिता से दृष्टिगत मिशन कृत्रिम गर्भधान के कार्यों की प्रगति ई नाफ पोर्टल पर पूर्ण रूप से अंकित की जाए। कश्मीर घाटी इन दिनों पीली सरसों के खेत से गुलजार है। अवंतीपोरा में सरसों के खेत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हजारों हेक्टेयर भूमि को सरसों की खेती की जा रही है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर तिलहन फसलों के साथ साथ पीली क्रांति में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। वहीं कृषि उत्पादकता में सुधार और नई कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया है कि वे अपने अपने स्थानों से बाहर निकलकर किसानों के खेत खलिहान में जाकर उन्हें परंपरागत तथा प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित व जागरूक करें। इससे किसान निश्चित रूप से लाभान्वित व प्रेरित होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिवेश में विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए कृषि व पशुपालन व्यवसाय में काफी बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने विभाग से अधिक लोगों, विशेषकर युवाओं को कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में आगे आने के लिए कहा है। और अब बात करते हैं मौसम की, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है। पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में लू के चलते स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है, तो वहीं कुछ राज्यों में स्कूल की टाइमिंग्स बदल दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन यानी कि बिहार, सिक्किम, उड़ीसा और झारखंड में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं राजस्थान में कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लू और गर्मी की भविष्यवाणी के अलावा मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों के लिए राहत भरी जानकारी भी दी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में आज से 20 अप्रैल तक छुटपुट बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। विभाग ने 18 से 19 अप्रैल को हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश होने का अनुमान जताया है। पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। बीते साल की तुलना में 27 मार्च 2023 तक 10,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में गेहूं का अनुमानित पैदावार लगभग 1,121 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। वहीं भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में हुई बारिश ने गेहूं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 15 अप्रैल को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,563 रुपए। 17 अप्रैल को इसके भाव में 198 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,365 रुपए पर आ गया।
हालांकि राज्य की ही धोराजी मंडी में बीते दो दिनों के दौरान लोकवान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 17 अप्रैल को लोकवान गेहूं 2,210 रुपए पर बिका। हरियाणा की मुलाना मंडी में शनिवार को गेहूं का भाव रहा 2,125 रुपए। सोमवार को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 2,125 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में गेहूं की आवक सबसे ज्यादा देखने को मिली। बाद भाव की करें तो 15 अप्रैल को यहां गेहूं का भाव था 2,125 रुपए। 17 अप्रैल को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,125 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 15 अप्रैल को धारा गेहूं का भाव रहा 2,160 रुपए। 16 अप्रैल को इसके भाव 10 रुपए टूटकर 2,150 रुपए पर हुए। अरहर की कृषि उपज मंडियों में सोमवार को सावरकुंडला, धोराजी, अलीगढ़ मंडी अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। जबकि जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 15 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 7,500 रुपए। 17 अप्रैल को इसके भाव में 187 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,313 रुपए। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 अप्रैल को अरहर का भाव था 8,005 रुपए। 17 अप्रैल को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 7,805 रुपए पर हुए। जम्बूसर मंडी में बीते दो दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 17 अप्रैल को अरहर 8,000 रुपए पर बिकी। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 15 अप्रैल को अरहर का भाव था 6,780 रुपए। 17 अप्रैल को इसके भाव 10 रुपए गिरकर 6,770 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की बात करें तो 17 अप्रैल को मैनपुरी मंडी में अरहर का भाव रहा 6,745 रुपए। इटावा मंडी में अरहर 7,550 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,700 रुपए पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5,00,000 टन के पार पहुंचा है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 260,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 240,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय तैयार आलू की खुदाई कर ले, इसके साथ ही यहाँ हल्दी की रुपाई के लिए खेत तैयार करते रहे, जबकि अदरक की रुपाई कर ले। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी हिस्सों में ही इलायची में परागण बढ़ाने के लिए खेतों में निराई गुड़ाई करे और गीली घास हटा दे। पश्चिमी बंगाल के तराई इलाके में धान रोगों से बचाए, इसके साथ ही यहाँ मक्के में कीटों की निगरानी करते रहे। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में इस समय बोरो धान तैयार होने की अवस्था में है। अगर धान 80% तक पक गया हो तो वहां कटाई करें और हो सके तो कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करें। यही इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियां फल लगने की अवस्था में है। ऐसे में किसान खेतों में नमी बनाए रखने के लिए पराली या नारियल के पत्तों से मल्चिंग करें। इसके साथ ही उनमें शाम के समय सिंचाई करें। यही मूंग की फसल को कीटों के प्रकोप से बचाए। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाकों में धान की फसल में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में मूंग को फफूंदी रोग से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें।
ओडिशा में इस समय तापमान ज्यादा रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए गन्ना, ग्रीष्मकालीन मक्का, दलहनी और सब्जियों में निरंतर सिंचाई करते रहे। इसके साथ ही खेतों में नमी बनाए रखने के लिए पराली, सूखी पत्तियों और लकड़ी के भूसे से मल्चिंग करें। ओडिशा में ही सब्जी की नई नर्सरी को पराली या पॉलिथीन से ढकें। इसके साथ ही फलों के पौधों को जाली से ढकें। माना जाता है कि अमरूद अमेरिका और वेस्टइंडीज से आया, लेकिन भारतीय जलवायु में ये इस कदर घुल मिल गया है कि हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। भारत में अलग अलग तरह का मौसम होता है, कभी भीषण गर्मी पड़ती है तो कभी भयंकर सर्दी। अमरूद दोनों तरह के मौसमों को सहन कर लेता है। उपज के मामले में आम, केला और नींबू वर्गीय फलों के बाद अमरूद का नंबर चौथा है। अभी इसकी बढ़वार का समय है। नई बढ़वार जिस पर फूल लग रहे हो उसकी शाखा का 3/4 हिस्सा काट कर निकाल दें। ऐसा करने पर हालांकि बरसात की फसल कम हो जाएगी, लेकिन रबी के दौरान बड़ी संख्या में फल आएंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है, तेज धूप और गर्म हवा बाग की नमी सोख लेती है, इसीलिए सिंचाई का खास ख्याल रखें और हर 10 से 15 दिन बाद सिंचाई करते रहें। अमरूद के जिन बागों में फूल आ रहा है उनमें 10% यूरिया का घोल छिड़के। ऐसा करने पर जायद के दौरान अधिक फल प्राप्त होंगे। अमरूद में आमतौर पर मार्च से मई के बीच फूल लगते हैं। इसकी फसल अगस्त से लेकर मध्य अक्टूबर तक मिलती है, इसीलिए बाहर नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए यूरिया का 10% घोल बनाकर फूलों पर छिड़के। तेज धूप से पेड़ों के झुलसने का भी खतरा है, इससे बचाव के लिए तनों और बड़े अंगों पर कॉपर और चूने का लेप लगाएं। अमरूद की बुआई साल में 2 बार की जा सकती है, पहली बार फरवरी मार्च में और दूसरी बार जुलाई अगस्त में। जिन किसानों ने फरवरी मार्च में रोपाई की थी वो 10 से 15 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालते रहें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने पिछले महीने हुए हिंसक प्रदर्शनों की जांच एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एजेंसी ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही मामले की पड़ताल के लिए एनआईए की टीम लंदन भी जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला तेज हो गया है। बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने कल नामांकन पत्र दाखिल किए। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत से प्रमुख नेताओं ने नामांकन से पहले मंदिरों में जाकर पूजा की। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक गोवा में हो रही है। मंगलवार को दूसरे दिन की बैठक से पहले गोवा के खूबसूरत बीच पर डेलीगेट्स ने योग सत्र में हिस्सा। योग सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने भी हिस्सा लिया। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की थी। भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है। ये राशि इससे पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त राजस्व के मुकाबले करीब 49,000 करोड़ रुपए अधिक है, जो कि 25% की वृद्धि दर्शाती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सेज यूनिवर्सिटी के मेस का खाना खाने से 22 छात्रों की तबीयत खराब हो गई है। छात्रों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में 13 बच्चों को भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक आईसीयू में है और करीब 9 बच्चों का इलाज ओपीडी में चल रहा है। और हरियाणा के करनाल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां 3 मंजिला राइस मिल की इमारत गिर गई है। इमारत के मलबे में कई राइस मिल कर्मियों के दबे होने की आशंका है। करनाल के एसपी के अनुसार हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हैं। भारत का पहला एप्पल स्टोर महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्टोर खोला गया है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने आज भारत के एप्पल स्टोर का उद्घाटन किया। ये एप्पल स्टोर पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल है और 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा।
किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।